जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। ये खेत है स्वर्गीय सीताराम जी शर्मा का, पुत्र यज्ञदत्त शर्मा का, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसमें बो रखा है ग्वार। देख लीजिए आप, इसमें ग्वार बो रखा है और पूरी 4 बीघा में गंवार है। ये मोट हैं 1 बीघा में, ये 12 के हैं 1 बीघा में मोट हैं। देखिए आप, 1 बीघा में मोट है और ये कुछ सब्जी वाई है। सब्जी में है घिया, तोरियूं, भिंडी, करेला, ये 12 की है सब्जी। ये फिर से मोट आ गए और ये मोट की हड़ाई आगे तक है। देख सकते हैं आप, ये है बोरिंग, ये यज्ञदत्त शर्मा का बोरिंग। अभी हम कनेक्शन नहीं है, लाइट है नहीं हमारे पास, इसलिए हम जनरेटर से चलाते हैं। कल पानी भरा था जनरेटर से और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बालाजी आ गए। और ये है बाजरा, हमारे कालू जी चाचा जी का बाजरा है ये। देखो आप, ये है बाजरा, ये तो है खाने वाला और ये है चिड़ी का बाजरा। चिड़ी का बाजरा बड़ा बड़ा है, अभी काट रहे हैं इसको। हमारे चाचा जी हैं कालू राम जी, उनके खेत में आ चुका हूँ मैं। और इन्होंने बारका है बाजरा, ये देख सकते हैं आप। और ये है उनका कमरा जो बना रखा है उन्होंने अपने खेत में, ये कमरा बना रखा है। कुछ पाइप भी पड़े हैं और ये बाजरा देख सकते हो आप। अभी गोज की है इनकी, गोज में पूरे दिन धूप में काम किया, पूरा बाजरा वो रखा है इन्होंने अपनी, जो अपने हिस्से की ज़मीन आ रही है उनमें पूरे में बाजरा है, आप देख सकते हो। ये का हिस्सा है, ये पिलर गड़ रहे हैं, ये खंबा है तार का, ये लाइन खींची हुई है, यहाँ तक आ गया है कालू राम जी चाचा जी का खेत, यहाँ तक उस मकान से यहाँ तक। और अब आते हैं हम हमारे छोटे चाचा जी यानी बासुराम जी, कालू राम जी छोटे बासुराम जी सुरोगिये दिलीप, सुनोब दिलीप, दिलीप का खेत आ गया है। दिलीप ने बाजरा बा रखा है, बाजरा नहीं गंवार बा रखा है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी में गंवार बा रखा है। ये देखो आप, पूरी में वो पीछे जाली लगी हुई है, इसकी सीमा वहाँ तक ही है, इसमें जाली लगा दी है। हम तीनों ने अपना खेत बारक का है, जोत रखा है और बड़ी कड़ी मेहनत से हमने ये किया है, आप देख सकते हैं। हमारी जो भी है कुछ यही है पूंजी है
और कुछ है नहीं, खेती है हमारा आसरा। वो दो खेत के मालिक तो यहाँ बैठे हैं, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये यज्ञदत्त शर्मा का मकान है जो अपने खेत में बना रखा है। इन्होंने तो बा रखा है बाजरा, और इन्होंने बा रखा है ग्वार अपने हिस्से की ज़मीन में। और ये मेरा मकान है, और ये मेरी थड़ी है जो कि मैं अपना गुजारा करता हूँ। चाय की थड़ी है ये मेरी, टाइम पास कर रहा हूँ मेरा। ठीक है साहब, धन्यवाद।